दोस्तों स्वागत है आप सबका है हमारे एक और फ्रेश एपिसोड में, जिसका नाम है संडे क्यू एन ए सेशन, जहां पे पूरे वीक में पूछते हैं आप मेरे से सवाल और संडे को मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब। सो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। दोस्तों मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। दोस्तों सबसे पहले जो है, आप वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी कोर टेक्निकल वीडियोस जो है हम लेके आते आ चुके हैं और आगे भी लेके आते ही रहेंगे। और सब लोगों से मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, क्योंकि चैनल से रिलेटेड जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन है वहां पे सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी। सो दोस्तों मेरी इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है टेक गुरु मंजी, तो वहां पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं हमारी वीडियो की आज की शुरुआत। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है वो जय रॉय की तरफ से है। उनका कहना है कि अगर एक एमबीपीएस डेडिकेटेड लेते हैं जो कि 10,000 रुपए का आता है और 1:8 का शेयरिंग रेशियो रखते हैं, तो इसमें सिर्फ हम 8 को ही दे सकते हैं और जिसकी कॉस्ट आती है 1,250 रुपए पर यूजर, और मोबाइल डेटा में 200 में अनलिमिटेड दे रहे हैं, तो फिर प्रॉफिट कैसे होता है? दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बहुत बड़ा डिफरेंस है डेडिकेटेड लाइन और जो है मोबाइल डेटा के अंदर, क्योंकि डेडिकेटेड लाइन में आपको एक गारंटी मिलती है कि मिनिमम आपको इतना और मैक्सिमम आपको इतना तो मिलना ही मिलना है, और वहीं पे जो है आपको मोबाइल डेटा की बात करें तो मोबाइल डेटा के अंदर आपको कोई किसी भी तरह की कोई गारंटी श्योरिटी नहीं दी जाती है। वहां सिर्फ आपको बताया जाता है कि आपका जो सर्विस है वो कौन से नेटवर्क पे होने वाली है, 2G पे होने वाली है, 3G पे होने वाली है या 4G पे होने वाली है। वहीं अगर डेडिकेटेड लाइन की बात करें तो वहां पे आपके पास क्रिस्टल क्लियर होता है कि या तो फाइबर पे आपके पास कनेक्टिविटी आएगी या आरएफ पे आएगी, दोनों ही जरिए में किसी भी जरिए से आपके पास कनेक्टिविटी आए, लेकिन वहां पे एक एश्योरिटी दी जाती है कि आपको ये स्पीड जो है वो 1 Mbps, 2 Mbps, 3 Mbps, 4 Mbps, 5 Mbps तो मिलनी ही मिलनी है। सो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें डेडिकेटेड और मोबाइल डेटा में बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि मोबाइल अगर डेटा की हम बात करें तो वही 1 Mbps को जो है वो जरूरी नहीं है कि वो वहां पे एक ही टावर से जो है आपको, अगर एक टावर की एक डिवाइस की अगर कैपेसिटी है 1 Mbps तो हो सकता है उस टावर से जो है 16 कनेक्टेड हो यूजर, या 20 कनेक्टेड हो, 25 कनेक्टेड हो, 30 कनेक्टेड हो या 35 कनेक्टेड हो, तो जितनी भी 1 Mbps उस डिवाइस तक आ रही है वो उन सभी यूजर्स के बीच में डिवाइड होती चली जाती है, तो वहां पे आपके पास कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपको स्पीड कितनी मिलनी है। तो अगर मैं बात करूं इस डिवाइस की तो जितने यूजर उस डिवाइस से कम कनेक्टेड होंगे उतनी स्पीड आपको ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन जितने यूजर उस पे बढ़ते चले जाएंगे वहीं पे जो है स्पीड भी डिवाइड होती हुई चली जाएगी। सो डेडिकेटेड लाइन में ऐसा नहीं होता है, डेडिकेटेड लाइन के अंदर आपको एक स्पेसिफिक स्पीड जो है देनी है, मतलब देनी है, तो इसलिए अगर डेडिकेटेड लाइन की बात करें तो वहां पे हमेशा रेट जो है हायर साइड पे ही रहते हैं। आप 1250 बोल रहे हैं लेकिन मैं बोलता हूं कि 1800-1900 रुपए में जो आपको 1 Mbps की स्पीड जो है आपको डेडिकेटेडली मिल पाती है मार्केट के अंदर, जहां पे बात करें हम डेडिकेटेड की। तो प्रॉफिट आई होप आपको पता चली गया होगा, जो 1250 आपको वहां यहां पे मिल रहा है वही 1800-2000 में जो है आप इसको बेच पाएंगे। सो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कमलेश यादव की तरफ से, वो कह रहे हैं कि नेटवर्किंग के लिए कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो बेस्ट कोर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली नेटवर्किंग के लिए, अगर आप नेटवर्किंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो कोर्स तो बहुत सारे अवेलेबल हैं मार्केट में, फिर भी मैं कहूंगा कि आप CCNA के जो कोर्स हैं आप उनमें से किसी भी कोर्स के साथ जा सकते हैं, तो वहां पे जो है आपको सारी चीजें जो है बहुत डीपली समझाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, और जो है आपको बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं नेटवर्किंग का कोर्स करने, क्योंकि वहां पे जितनी भी चीजें आपको सिखाई जा रही हैं थ्योरेटिकल सिखाई जाए या प्रैक्टिकल दिखाई जाए, तो उसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो पाओगे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हरिया संजीव की तरफ से, ये कह रहे हैं कि इनको PABX जो सिस्टम होता है उसके अंदर PRI, BRI, DTF और FLC कार्ड जो है वो क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या इसमें ये सारी चीजें जो पूरी इंस्टॉल होती है पूरे उसके पेरिफेरल्स के बारे में
और उनके फंक्शनैलिटी के बारे में बताएं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मुझे मैं जो है इसी वीक में आपको बहुत जल्दी एक पूरा कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर बना के देने वाला हूँ, तो मेरे चैनल पर देखते रहें। तो इसी वीक में शायद आपको बहुत जल्दी आप वीडियो ये मिल जाएगा। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोश की तरफ से, वो कह रहे हैं कि जो रैक के अंदर हम जो केबल पूरी पंच करते हैं तो वहां पे लेबल जो है वो कैसे करें। तो लेबलिंग की बात करें तो लेबलिंग आप जो है आपने जैसे कि डेटा पॉइंट्स हैं तो वहां पे D1, D2, D3, D4, D5, D6 में भी कर सकते हैं। तो वहां पे दो तरह की लेबलिंग आती है, एक तो फेरल डल जाते हैं जहां पे आप डी और वन, डी और टू इस तरह से डाल सकते हैं, और दूसरा जो है एक लेबलिंग मशीन आती है, तो आप वो लेबलिंग मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप वायरलेस का इस केबल्स हैं तो वहां पे W1, W2, W3, W4 इस तरह से जो है पूरा कनेक्टिविटी जो पूरी लेबलिंग जो है वो कर सकते हैं। और अगर बात करूं मैं टेलीफोन की तो वहां पे T1, T2, T3, T4 जो है आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो नेटवर्क्स हैं वो इसी हिसाब से जो है पूरे आप डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग केबल को अलग अलग आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। सो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा साइकात की तरफ से आ रहा, साइकात विश्वास की तरफ से आ रहा है, और उनका कहना है कि उनके घर पे, घर से जो उनके फ्रेंड का घर है वो करीब 1 किलोमीटर है, और वो जो है पूरे फाइबर के थ्रू उसकी कनेक्टिविटी जो करना चाहते हैं, और वहाँ से जो अपने घर से जो उसका इंटरनेट है वो शेयरिंग करना चाहते हैं। तो ऐसे में वो अगर कन्वर्टर लगा के अगर करते हैं, डायरेक्ट वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचाते हैं, तो इंटरनेट तो वहाँ तक पहुँच जाएगा, लेकिन जो उनका जो लोकल मतलब वहाँ का जो नेटवर्क उनको लोकल एक्सेस करना है वो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर क्लियरिटी कर ले तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप जो लिंक बनाने की बात कर रहे हैं अपने घर से और आपके फ्रेंड के घर से, तो वहाँ के बीच में जो आपको फाइबर के थ्रू या RF के थ्रू जो भी करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे जो आप मैं बोलूँगा कि आप जो है इसको एज अ लोकल लिंक जो है उसको टर्मिनेट करें। कहने का मतलब कि डायरेक्ट अगर ISP से अगर आप उसको डायरेक्ट केबल उठा के अपने फ्रेंड को तरफ दे रहे हैं, तो ऐसे केस में जो है आपकी लोकल कनेक्टिविटी नहीं बन रही, इसी वजह से जो है आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप वहां पे ISP ने जो आपको टर्मिनेशन दिया है वहां पे एक छोटा स्विच लगा लें या हब लगा लें, वहां से जो एक Cat6 केबल लगा के मीडिया कन्वर्टर लगा के Cat6 टू फाइबर में कन्वर्ट करके अगर कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो ऐसे में जो है आपके और आपके फ्रेंड का जो लोकल एरिया कनेक्शन बन जाएगा, यानी कि पूरा कनेक्टिविटी जो है दोनों साइड पे वो लोकल हो जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड आपका PC इजीली लोकली एक्सेस कर सकता है, और आप पूरा अपने फ्रेंड का जो PC है लोकल एक्सेस कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है क्योंकि वो कनेक्टिविटी ISP की जो है वो आपने वो स्विच के अंदर टर्मिनेट करनी है, तो ऐसे में जो है इंटरनेट की भी दोनों जगह पे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। आई होप कि आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया, आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से मैंने बोला। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ISP से आने वाला कनेक्शन एक स्विच के अंदर लगाएं या हब के अंदर लगाएं, उसी हब से एक और केबल निकालें और उसमें मीडिया कन्वर्टर लगा के LAN टू फाइबर में जो है आप सिंगल मोड, मल्टी मोड जो भी आप चाहते हैं, या TX या TRX, TX या RX दोनों को यूज करें, या उसको मल्टी मोड कहते हैं और सिंगल TX TX करते हैं उसको सिंगल मोड कहते हैं, आप दोनों ही चीजें में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरह में जो है आपको मीडिया कन्वर्टर लगा के, एक ही तरह के मीडिया कन्वर्टर लगा के जो है पूरी कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपका लोकल कनेक्टिविटी जो है वो बन जाएगी। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन तो है नहीं मेरे पास, लेकिन एक काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम जो है हमारा डेटा जो करप्ट हो गया था, हमारे हार्ड डिस्क जो है डिटेक्ट होनी बंद हो गई थी, तो फिर हमने किसी भी तरह से एक रिकवरी सॉफ्टवेयर डाल के हमारा डेटा रिकवर कर लिया है, लेकिन वो करप्टेड है कि जब उसको हम ओपन करते हैं तो वो करप्टेड है। सो ऐसे में मैं आपसे सभी से बोलना चाहूँगा कि अगर आप का डेटा हार्ड डिस्क में कहीं पे नहीं निकल पा रहा है, डेटा लॉस हो गया है, तो ऐसे में अगर आप डेटा रिकवरी करते हैं वो भी सिर्फ क्रैक वर्जन्स के साथ में, तो ऐसे में आपको चैलेंजेस फेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी क्रैक सॉफ्टवेयर होते हैं वो कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं वो नहीं पता। अगर वहीं पे अगर आप किसी लाइसेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे जो है आपको इजीली सारी चीजें जो है अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि लाइसेंस सॉफ्टवेयर एकदम परफेक्ट काम करते हैं, वो आपकी डेटा की रिकवरी आपको सिर्फ दिखाते नहीं है, एक्चुअल में करके देते हैं। वहीं पे अगर क्रैक की बात करूं
तो क्रैक सॉफ्टवेयर कई बार होता है कि वो सिर्फ वहां से उनकी सोर्स, उनके जो लिंक्स हैं वो उठा के हमें सामने दिखा देते हैं। ऐसे में जो है हम जब डेटा निकालना चाहते हैं तो वो हमें करप्टेड बताता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए तो इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।